हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि की स्ट्रोक सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी स्टॉक को कैसे सर्च करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं सर्च करता हूं बैंकिंग स्टॉक्स को, तो मैं यहां पे आके क्लिक करूंगा बैंक पर। जैसे ही आप बैंक पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि उसके नीचे बैंक के अंदर जितने बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जितने भी स्टॉक आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। आप अपने कीवर्ड के डाउन एरो पर क्लिक करके एक के बाद एक स्टॉक्स को सर्च कर सकते हो। ये देखिए, दोस्तों अगर आप निफ्टी 100 के स्टॉक्स को स्कैन करना चाहते हो तो आप जैसे ही सीएन 100 पे क्लिक करोगे तो जो भी स्टॉक्स निफ्टी 100 के अंतर्गत आते हैं वो सारे स्टॉक आपको यहां पर दिखाई देने लगेंगे। जैसे ACC है, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट। आप अपने कीवर्ड के डाउन एरो पर क्लिक करके एक के बाद एक स्टॉक्स को देख सकते हो। दोस्तों अगर आप निफ्टी 200 के स्टॉक्स को स्कैन करना चाहते हो तो आप CN 200 पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 200 के स्टॉक्स आपको दिखाई देने लगेंगे। और दोस्तों अगर आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स को स्कैन करना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे CN 500 पर। जैसे ही आप CN 500 पर क्लिक करोगे जितने भी स्टॉक CN 500 के अंतर्गत आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। आप इन सारे स्टॉक्स एक एक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां से किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को सर्च करना है तो आप यहां से सिलेक्ट करोगे फार्मा। जैसे ही आप फार्मा पर क्लिक करोगे फार्मा के अंदर आपको केवल 3 ही कंपनी दिखाई दे रही हैं, लुपिन, सन फार्मा और दोस्तों आप यहां से कमोडिटी को भी सर्च कर सकते हो। फाइनेंस के जो भी फाइनेंस सेक्टर के अंदर का स्टॉक्स आते हैं आप उनको यहां से सेलेक्ट करके सारे यहां से देख सकते हो। एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज होल्डिंग है, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक। दोस्तों अगर आप FMCG सेक्टर के स्टॉक्स को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है FMCG। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी FMCG स्टॉक हैं सारे आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। जैसे ब्रिटानिया हुआ, कोलपाल है, डावर है, आप यहाँ से इनको सर्च कर सकते हो। थैंक यू।